Who made this pizza? से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं तो रुक नहीं पा रही। ट्राई करने वाले है अचारी पिज्जा और ईशा ट्राई करने वाली है पिज्जा। हमने एक ही पिज्जा में दो पिज्जा बनवाए हैं, ये है पेरी पेरी और ये है अचारी। तो मैं इसको आप टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये पिज्जा का टेस्ट कैसा है। तो कुछ इस तरीके से भाई, तो ये मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अचारी पिज्जा, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि मेरे को आज कुछ इंडियन चटपटा खाने का मन हो रहा है। मेकिंग का आपको मैंने दिखाई दी होगी, इसकी आप ट्राई करते हैं। जो बेस है ना, ऐसे मस्त क्रिस्पी लग रहा है और चीज भी बहुत सारा मेल्ट हो जा रही है मैं जाती। मेरी एक बाइट मैंने ली, मेल्ट हो गई। तो इसका जो बेस है शायद दो टाइम कुक किया हुआ है, इसीलिए इतना क्रिस्पी लग रहा है। मतलब पूरा ऐसे थोड़ा सा स्वाद आ रहा है, सॉसेस भी परफेक्टली इसमें मैच हो रहा है। कुछ भी ओवर नहीं है और कुछ भी कम नहीं है, एकदम परफेक्ट मैच लग रहा है यहाँ पर मुझे अचारी का। अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ पेरी पेरी, जो कि इन्होंने बोला है कि ये बहुत लिटिल बिट स्पाइसी है। ये देख सकते हो आप पेरी पेरी कुछ इस तरीके से, पनीर देखो कैसे नीचे जा रहा है। Who made this pizza? Who made this pizza? What is this? ये पिज्जा किसने बनाया? चलो उसको पकड़ो। क्या डाले? सीरियसली पेरी पेरी पिज्जा बनाने वाले ये भाई साहब है। पेरी पेरी इतना मस्त लगा रहा, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं तो किचन में आ ही गए तो किचन भी देख लो, सिर्फ मेरे माथे पे कैप नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली अंदर घुसा हूँ। बाकी किचन में हाइजीन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की गई हुई है, आप एक बार देख सकते हो। सीरियसली थैंक यू सो मच ब्रदर, पिज्जा बहुत अमेजिंग बना हुआ है। गाइस ये पेरी पेरी मेरे को इतना पसंद आया ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये पिज्जा एक बार ट्राई करना तो बनता है। वेजिटेबल्स मैंने जैसे कि पहले पिज्जा में भी बताया, सारी मतलब कुक हो चुकी है, बेस्ट है। इसका सॉस है, इसका बेस भी आप थिंक कर देखो कितना थीन है। मैंने कुछ बोला नहीं था कि थीन बेस करना है या थिक करना है, लेकिन बेस आप चेक कर सकते हो एक बार कितना है, कैसा है। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ और अभी नेक्स्ट जो पिज़्ज़ा है अपने पास वो ईशा आपको दिखाता हूँ। सो हमारा चीज़ी मैक पिज़्ज़ा आ गया है, तो देखिए इसका लुक एक बार चेक कीजिए। भाई साहब ये तो बहुत लोडेड है यार, इतनी सारी वेजीज इसमें, ऑलरेडी सारी वेजीज है और नीचे इसमें मैक्रोनी भी है। तो आइए इसे ट्राई करते हैं। लुक एट दिस, ओह माय गॉड,
इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ, मैं इसके साथ भी शेयर नहीं करने वाला। पेरी पेरी भी भूल जाना फिर, पेरी पेरी इससे ज्यादा टेस्टी हो सकता है? नहीं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं। अब इसमें पास्ता, बेबी कॉर्न और बाकी सारे वेजीज इतने इतने यम्मी लग रहे हैं, और इसका जो सॉस इन्होंने जो यूज किया है चीजी सॉस, मुंह में जाके पूरा पूरा मेल्ट हो रहा है। इसमें ऑलिव्स का कॉम्बिनेशन एकदम एकदम परफेक्ट है। सो एक बार देख लीजिए इसको। अभी ना हम इसको साइड में कर दिया और आपको बताते हैं सारी डिटेल्स। ओके गाइस, तो पिज़्ज़ा तो बहुत ही टेस्टी थे, तो अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। हमने पहले जो खाया था वो अचारी स्पेशल और पेरी पेरी स्पेशल पिज़्ज़ा था, जो हमने मीडियम साइज़ में मंगवाया था, और जिसकी अमाउंट है 575 रुपीज़। और फिर हमने जो खाया था वो चीज़ी मैक पिज़्ज़ा था, जिसका अमाउंट है 240 रुपीज़। ये कैफ़े में ना बोगो ऑफ़र है, और अगर आपको हर दिन ये बोगो ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और यहाँ पर आकर आपको एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना होगा, और जिससे आप इसका फ़ायदा एवरीडे उठा सकते हैं। बट अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको ये बोगो ऑफ़र सिर्फ वेनसडे और फ्राइडे को ही मिलेगी। तो वेट किस तरह कर रही है, जल्दी से आइए और यहाँ पे ये बोगो ऑफर इनका ट्राई कीजिए, और इनके सारे पिज़्ज़ा बहुत बहुत ही डिलीशियस है। गाइस, पिज़्ज़ा को बाहर आए हुए मिनी मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट हो चुके हैं, तो भी देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी ओवन में से बाहर आके आपको सर्व किया गया हुआ है। वेल, इसकी बात जो करें ना, हम यहाँ पे है वो बेसू ब्रांच है जो सफल स्क्वायर में नीचे ही आपको दी जाएगी। और जैसे कि सारे बोगोज ऑफर जो है एप्लीकेशन से क्या क्या ऑफर्स है इनके पास, वो तो ईशा ने आपको बता दिया होगा। बट अभी एक बात करूँ तो ये जो ब्रांच है वो मेन अहमदाबाद की ब्रांच है, सूरत में अभी यहाँ पे वीसू में अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे आइए, इनका एम्बियंस भी बहुत मस्त है। आपको किसी फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फैमिली में कुछ भी गेट टुगेदर वगैरह करना हो तो एम्बियंस एक बार चेकआउट कीजिएगा, इनका बहुत अमेजिंग है। ये लेडी देख लिया, ये आप ध्यान से देखोगे ना तब पता चलेगा कि ये पिज़्ज़ा के छोटे छोटे जो स्लाइस है ना उनसे एक पूरी लेडी का फेस बनाया गया हुआ है, और एम्बियंस बहुत प्यारा है इनका। मुझे तो ये एम्बियंस और इनके पिज़्ज़ा खास करके पेरी पेरी बहुत मस्त लगा, अचारी भी बहुत मस्त था, लेकिन मेरे को पर्सनली पेरी पेरी जो है ज़्यादा पसंद आया। दूसरा पिज़्ज़ा तो जो था वो चीज़ मैक वाला। सो बेस्ट डिटेल्स की जो बात करें वो मैंने आपको मेंशन सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देनी है। हम आपको ये एपिसोड 2 की दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक हम पनीर टिक्का स्टफ गार्लिक ब्रेड, स्टफ गार्लिक ब्रेड का नाम है जो अब हम ट्राई करने वाले हैं, तो इंस्टा में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। सो प्लीज़ हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आपको जो लिंक है इंस्टाग्राम की वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है पिज़्ज़ा सीरीज़ का, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मिल जाएगी, और आई बटन में भी ऊपर लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और चलते हैं अपनी सेकंड लोकेशन की और लेट्स गो। सो गाइस, सेकंड लोकेशन कोई रेस्टोरेंट और कोई कैफे नहीं है, ये हमारा घर ही है। हम ट्राई करने वाले मंचेन जो ब्रांड है उनके पिज़्ज़ास। मैंने इनके पिज़्ज़ास के बारे में बहुत कुछ सुना, ये एक लोकल ब्रांड है इंडिया की, और इनके आउटलेट्स पिछले 5 सालों से वडोदरा में, अहमदाबाद, भावनगर, ये सारी सिटी में रन हो रहे हैं सक्सेसफुली, और ये अब अपने सूरत में आ चुका है। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं मंचेन के पिज़्ज़ा और बहुत कुछ उनकी जो साइट्स है वो। सो गाइस, आपको और एक बात बता दूं कि इनका जो आउटलेट है वो हमको 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करता है। और एक और बात कि इनका जो एप्लीकेशन है मंचेन ऐप, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो और इसमें से अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपको मिलता है 40% डिस्काउंट। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं इनके पिज़्ज़ा। तो गाइज, मुझे लगता है कि अपने पिज़्ज़ा जो है वो आ चुके हैं, चलिए देखते हैं पिज़्ज़ा कैसे भेजे हुए हैं। तो गाइज, इस तरीके से कुछ अपने पिज़्ज़ा डिलीवर होते हैं। इनका बैग देख सकते हो आप, पूरा सेफ है, आपके पिज़्ज़ा जो है पूरे गर्मा गर्म आप तक डिलीवर करवाने वाले हैं। खुशबू इतनी मस्त आ रही है ना यार, जो पैकेट्स है ये गर्मा गर्म पैकेट्स मेरे हाथ को भी लग रहे। सो दिस इज आवर पिज़्ज़ा, थैंक यू सो मच भैया। ओके सो गाइस, हमारा पैकेज डिलीवर हो गया है, तो इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैं तो रुक नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो
लुक एट दिस गाइस, कितना कितना चीजी लग रहा है ये टेबल। मुझे नहीं पता किस लिए दिया गया हुआ यहाँ पे, मैं बताऊं ये प्रथम के बैठने के लिए टेबल है। अच्छा, शायद इतने में मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। हो जाएगा। इनको एक बार ब्रेड दिखा देना इनका कैसा हुआ है। गाइस आपको बता दूं कि ये कोई रेडीमेड ब्रेड के ऊपर पिज्जास नहीं बनाते, इनका खुद का अपने डो से ये लोग पिज्जास बनाते हैं। और आई होप इनके ब्रेड में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होने ही वाला है। मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। गाइस ये पिज्जा इतना डिलीशियस लग रहा है और इसमें जो चीज यूज की है ना, बहुत सारी चीज यूज की है और इसके ऊपर पेपर्स है जिससे ना थोड़ा स्पाइसी सा टेस्ट आ रहा है। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई हैव अ स्पाइसी टूथ, सो मुझे तो स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, ओ भाई साहब, चीज का मतलब चीज का अमाउंट देख रहे हो गाइस, कितनी सारी चीज। दैट इज सो गुड। अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। चीज लवर्स जो भी है ना भाई, लाइक कर देना। और जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, ब्रेड सॉफ्ट है। चीज लवर्स, काफी चीजी है और ये सारे लिक्विड चीज बहुत इन्होंने ना क्वालिटी की चीज यूज की गई हुई है और इसमें थोड़ा मुझे स्पाइसी लग रहा है ये पिज्जा। आई हैव अ स्वीट टूथ, दैट्स व्हाई मुझे ये स्पाइसी लग रहा है। और सारे वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है वो भी मिक्स हो रहा है अच्छे से। और जैसे कि मैं फील कर पा रहा था, ब्रेड जो है वो इतनी सॉफ्ट है, ज़्यादा नहीं बट काफ़ी सॉफ्ट ब्रेड। ये पिज्ज़ा जो है ये हम फिनिश करते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सीजन 2 का पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको बहुत पसंद आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो और प्लीज सपोर्ट आवर वीडियो, शो सम लव एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर पिज्जा एंड चीज लवर्स। यस, अभी तो बहुत सारे चीजीएस्ट ऑथेंटिक एंड बहुत सारे पिज्जास आने बाकी हैं, तो जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो हम आपको मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड। वेट गाइस, यहां तक आपने अगर वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, इसकी जो नेक्स्ट वाला एपिसोड होने वाला है ना, उसमें हम लोग बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, उससे भी बड़ी। तो गाइस वो वीडियो को जो है आप देखना मत भूलना। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं एपिसोड 3 में।